बताया आज यहाँ पहुँचे? आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के करोड़ों बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से उनको पढ़ने की, परीक्षा में किस तरीके से तैयारी करने की, परीक्षा को बोझ के उत्सव के रूप में बदलने की जो प्रेरणा दी है, और जो बातें कही है कि हम सभी मिलकर शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी बच्चों को विद्यार्थी के लिए जीवन में आगे लाना चाहिए, जीवन उनका और बेहतर हो उसके लिए उनको एक कैसे बेहतर वातावरण दे, उसके बारे में पूरी खुल के जो चर्चा की, निश्चित रूप से इसका लाभ आज देश के करोड़ों बच्चों को मिला है और देश के करोड़ों विद्यार्थी जो आज विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनको जीने, पढ़ने और आगे बढ़ने की एक नई दिशा और उमंग मिली। अलग अलग राज्यों से आए और ये उमंग उत्कर्ष की गारंटी होता है, उस उत्कर्ष की गारंटी उमंग में है, उस उमंग को लेकर के आप चलें, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद की हम प्रधानमंत्री जी से साझा करते हुए माँ की गतिविधियों को ऑब्जर्व करके टाइम मैनेजमेंट। सर इस कार्यक्रम के विषय में बताएं जो आज का कार्यक्रम हुआ यहाँ पर। सेल्फी लेते हुए जीवन भर याद रहेगा और उम्मीद करते हैं प्रेरणा भी करेगा कि वो सहजता से अपने भूमिक जो समझते हैं उस पर बात दे। रोजमर्रा के उदाहरण में प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे पतंग की डोर जब उलझ जाती है तो उसे शक्ति लगाते नहीं बल्कि आराम से जो मैदान पर उतरता है तो उसे बहुत अपेक्षा करती है। उसी तरह से विद्यार्थियों से भी समाज अपेक्षा तो करता है, लेकिन हमें दबाव के दबाव में नहीं आना। और अपना वो बच्चा जो प्रश्न आता है उसको हल करें, हर किसी के लिए अलग है। जैसे पेपर है तो अलग, गणित है तो अलग, मैं कम लिखा और अनुभव की बहुत महत्ता है। सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि जो बहुत ही खूबसूरत समाज है और एक सकारात्मक ऊर्जा जो सांसदों की जो स्टेडियम है महसूस की जा सकती है, उस पल को वो अपने अभिभावकों के द्वारा जो थोड़ा टोका टोकी होता है उससे रिलेटेड था प्रश्न, जो शिक्षक के कुछ चाहते थे कि हमारे बच्चे अनुशासित रहें उस दृष्टि से भी था प्रश्न, इस प्रकार का भी था कि हमको अनेक भाषाओं को जानना चाहिए तो कैसे करें, तो भाषा के बारे में भी उन्होंने बताया। और आज उन्होंने मंच से कहा कि तमिल भाषा जो है वो विश्व की सबसे पुरातन भाषा है, तो विश्व की सबसे पुरातन भाषा के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। और बच्चों को उन्होंने बताया कि एक उदाहरण भी दिया कि एक लड़की कई भाषाओं को जानती थी, मैं वहाँ भोजन करने जाता था वो बंगला में भी बात करती थी, मराठी में भी बात करती थी, तमिल में भी बात करती थी, चूँकि वो जिस परिवेश में रहती थी वहाँ विभिन्न भाषा के लोग रहते थे। तो इस प्रकार से सब मिला करके प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य था कि हम जो भारत का भविष्य बालक है तो अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाने का काम करें। और मूल उद्देश्य यह है कि जो नेशन के जो क्वालिटी है वो शिक्षा पर निर्भर है और शिक्षा की क्वालिटी शिक्षक पर निर्भर है, तो हमारे शिक्षक अवेयर हों और वो अच्छी शिक्षा दें जिससे कि हमारे जो बालक हैं वो श्रेष्ठ बने, और जब वो श्रेष्ठ बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भी श्रेष्ठ बनेगा, इसी भाव से ये कार्य। यानी सर छात्र छात्राओं को साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको मजबूती प्रदान करने के लिए मुख्य मतलब इसका उद्देश्य है। हाँ, मुख्य रूप से ये उद्देश्य, हम मेंटली वो मजबूत हों, उनको उनके अंदर से डर को हटाया जाए और वो हम अच्छा करेंगे। और एवरेज भी हैं तो एवरेज से हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं इस पर भी, क्योंकि समा
जो सामान्य है वो अति सामान्य काम करता है जी जी। वो अगर मन में ठान लिया तो वो आगे जाएगा, लेकिन अगर सोच लिया कि नहीं हम क्या कर सकते हैं, हम तो क्लास में मेडियोकर हैं, तो वो तेज नहीं हो सकता है। उनका मूल उद्देश्य था कि आपका जो IQ है उसको मल्टीप्लाइड बाई टाइम करेंगे इन प्रॉपर सब्जेक्ट तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का मतलब होता है IQ मल्टीप्लाइड बाई टाइम इन प्रॉपर सब्जेक्ट इजकल टू रिजल्ट। तो सारा जो फोकस था वो इसी पर था कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है आप उसको उसमें समय लगाइए। अब ये सोशल मीडिया में 6 घंटा दे देंगे तो यहाँ के लिए समय नहीं बचेगा, इसलिए आप यहाँ मैक्सिमम समय दीजिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सराहनीय प्रदर्शन किया। नमस्कार, आज हम पहुँचे हैं DVM ग्लोबल स्कूल पपौर, एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण, अनुशासन और संस्कार पर विशेष बल दे रहा है। और आज जो है बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के एक ऐसे शख्सियत का यहाँ आगमन हुआ जो कि पूरे बिहार स्तर पर और अपने बुद्धिजीविता का उन्होंने झंडा बुलंद किया है। और DVM ग्लोबल पब्लिक स्कूल पपौर पहुँच करके यहाँ पर तमाम शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों को उन्होंने संबोधित किया। साथ ही साथ अभी जो हाल ही में परीक्षा होने वाला है, परीक्षा में तैयारी कैसे करें और मानसिक रूप से छात्र छात्राएं कैसे मजबूत रहें, इसको लेकर के भारत के प्रधानमंत्री जो मुहिम चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, उस पर भी विशेष यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आप देख रहे हैं विद्यालय के जो मैनेजिंग हेड हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो शिक्षकगण हैं और शिक्षिकाएँ हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर कि DVM ग्लोबल पब्लिक स्कूल पपौर में यहाँ जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताएं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे प्रभावित हों, परीक्षा क्या है परीक्षा के बारे में समझें और परीक्षा के लिए खुशी से बिना तनाव के तैयारी करें और परीक्षा को अपना आसान आइटम समझ के प्रयास करें कि अच्छा परीक्षा दें। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है कि समग्र संतुलित सर्वांगीण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान किया जाए और इसी दिशा में यह शैक्षणिक संस्थान जो है लगातार कृत संकल्पित है, उस दिशा में अग्रसर है और इसीलिए क्षेत्र के अभिभावकों का भी भरपूर सहयोग समर्थन इस विद्यालय को मिल रहा है। सर, आज के कार्यक्रम में यहाँ पर बहुत सारी जो टीचर्स हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैडम का स्वागत करेंगे, अपना परिचय दीजिए मैडम। नंदिता बनर्जी फ्रॉम कलकत्ता, ओके, बट केम हियर टू teach the students, not to learn or money, okay, just to teach the students, okay, just according to the new national educational policy, plus under the banner of DVM Global School, I want to say something that I am as an English teacher, I am saying that everything must be skillful. So if the skill is not proper, then students will not secure proper money. Okay, proper marks will come just if your good handwriting will be there. From the 10, your new educational policy is saying that up to 12, but up to this day it was 10. So I am giving the preference in the class, that one handwriting. If the handwriting is good, then marks will secure and marks will come, then they will become too much skillful because they will go to the options, okay, and always they have to get good marks, and good marks where from they will get, they have to get the, they have to give, take the risk, okay, and risk will come, they will get the chance. So from all students I'm saying they will take the chance, they will get the risk, okay, and as soon as they will get the risk, they will take it. From the DVM Global School, they are ready. We are ready to say them, just go, run and be skillful. And if they are skillful, they will be successful. And if they are successful, DVM, under the DVM banner, we will be the successful persons. They will go to the upstairs. We can say that yes. Okay, our director took us. Okay. देखिए, तो आप देख सकते हैं कि विद्यालय में, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना की गई है और आज के समय में जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी, उस पर यह विद्यालय विशेष बल दे रहा है, चूँकि आज के समय में सबसे ज़रूरी है कि अंग्रेजी भाषा का अधिक से विकास हो। और आप तस्वीर देख रहे हैं जिस महाशय का, वो परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने के लिए और बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए इस विद्यालय का बुनियाद रखा है। तो सर, ऐसे तो बहुत सारे लोग फैक्ट्री, कल कारखाना खोलते हैं,
लेकिन आपने एक इस समाज का, इस संसार का एक बहुत ही नेक और पवित्र काम आपने किया कि शिक्षा का मंदिर आपने शुरू किया। कैसे आपके दिल में कोई इस तरह का सोच था क्या कि शिक्षा आप दें? जब आप ही कह रहे हैं कि पवित्र और शिक्षा के क्षेत्र का काम हुआ है तो वहीं समझ कर मैंने इसका भी प्रयास किया है कि पवित्र चीज़ है जी। इसको अच्छा 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 बच्चों का भविष्य, चूँकि बच्चों का भविष्य ही देश का भविष्य है, इसलिए बच्चों का भविष्य सुधारना हम लोग की सबकी जिम्मेवारी है जी। उसी आधार पर हमने यह काम किया है जी। तो देख रहे हैं कि इस इलाके में जो शिक्षा का अलग जगाने के लिए इन्होंने प्रयास किया है, सर भी मौजूद हैं। सर, यू आर दी प्रिंसिपल ऑफ दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एस्क क्वेश्चन टू यू कि द टीचर ऑफ इंग्लिश इज टेलिंग दैट वी वांट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, कैरेक्टर फॉर्मेशन, एंड यू आर दी मैनेजिंग हेड इज ऑल्सो टेलिंग दैट वी हैव टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन फॉर द सोसाइटी, फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो वाट वुड यू लाइक टू स्पीक इन कनेक्शन विद द क्वालिटी एजुकेशन एंड मॉरल एजुकेशन रिलेटेड टू DVM ग्लोबल पब्लिक स्कूल इन रिमोट एरिया पपौर? Regarding madam's line, one more thing is that ethical concerns, and that are very much important in every aspect of life for education, not only for education, but for children's also, but for social development also. And we are working for social reformation. It means that everything is going around and everything around the us, and that is totally, that is totally around our education, in our education. तो देखिए यहाँ पर सर के साथ जो यहाँ प्रिंसिपल महाशय मौजूद है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा कोई व्यावसायिक सोच नहीं है, मेरा प्रथम उद्देश्य यही है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में छात्र छात्राओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें जो है रोजगार पर शिक्षा प्रदान की जाए, और साथ ही साथ जो परंपरागत शिक्षा पद्धति है उससे अलग हट करके। जी सर, उस सब बच्चों से फोटो ले, इधर बुलाइए बच्चे, इधर आइए, इधर आ जाइए, आप इधर आइए। पब्लिक स्कूल पपौर में यहाँ पर रविंद्र राय जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उनका यहाँ आगमन हुआ, और एक बहुत ही सुनहला ये पल आप देख सकते हैं, यह बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है जहाँ छात्र छात्राएं, शिक्षकगण और विद्यालय के जो प्रमुख हस्तियाँ हैं वो तमाम लोग एकत्रित होकर के उन्होंने आज संकल्प लिया है कि बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से मजबूत बनाने के लिए उनके अंदर जो है स्टेमिना और एनर्जी पैदा हो, और अपने एग्जाम को लेकर के, अपने परीक्षा को लेकर के वो कहीं से चिंतित नहीं आए, एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। सर क्या कहेंगे जो आप लोगों ने आज एक मजबूत एकता और चट्टानी एकता का परिचय देते हुए बच्चों को आपने हौसला बढ़ाया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी। हम चाहेंगे कि बच्चा सब इससे सीख ले जी। और इसके अनुसार प्रयास करें, और गांव ग्रामीण जनता जो गरीब बच्चे भी हैं उन लोग को हम लोग खुद इन्वाइट करके फ्री ऑफ कॉस्ट भी एजुकेशन देना चाहते हैं। हम लोग को इससे बिजनेस से कोई पर्पस नहीं है, गांव जवार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे डेवलप्ड हों, शिक्षा लें और अपना भविष्य बनाए। बिल्कुल सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं दिवाकर तिवारी जी, रिटायर्ड इंजीनियर जी, नई बस्ती सिवान जी। तो देखिए ये दिवाकर तिवारी जिन्होंने बहुत बड़ी अपने जीवन में कार्य किया है कि उन्होंने शिक्षा के विकास के लिए इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को अलग जगाया है, तो मैं इनके प्रोत्साहन में या इनके हौसला अफजाई के लिए मैं दो चार शब्द कहना चाहूँगा कि वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहीं भीड़ में खो गई आदमियत तो दिवाकर तिवारी को खोजने में जमाने लगेंगे, क्योंकि इस तरह के लोग जो है धरती पर बहुत कम पैदा होते हैं, और भगवान के ईश्वर को इस ग्रामीण क्षेत्र में और ये जो इलाका है, इस हम कह सकते हैं कि बिल्कुल चंवर है, वहाँ पर इन्होंने इस काम करके दिखाया है कि अगर मन में कुछ मजबूत इरादा हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, तो विषम परिस्थितियाँ भी आकर के कदमों के नीचे झुक जाती हैं और सफलता कदम चुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।